हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे आप साहब? आई होप आप सब बच्चों के वेलकम टू रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी दोपहर का समय है, यही दोपहर का 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है और मैं दिन के खाने का तैयारी कर रही हूँ। तो आज फर्स्ट बार मैं बना रही हूँ पालक का साग, जो मुझे बनाना नहीं आता है। हालांकि मेरे यहाँ किसी ने अभी तक खाया भी नहीं है, मैंने बनाया भी नहीं, मैं फर्स्ट बार बना रही हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ पालक खाता भी कम है, शाम में आया था तभी मैंने इसको साफ कर दिया, अच्छे से धो के काट दिया है। उसके बाद इसको उबलने के लिए चढ़ा रही हूँ। ज़्यादा देर तो उबालना नहीं, इसको 5 मिनट के लिए मैं पतीला में चढ़ा रही हूँ। कुकर में तो सीटी दिलवाना नहीं रहता, हालांकि मुझे उतना अच्छे से पता नहीं है, कोई इसी से पूछ पूछ के मैं बना रही हूँ। जो मुझे बताते जा रहे हैं मैं बनाते जा रही हूँ। किससे पूछ रही हूँ वो भी बाद में लास्ट में आपको सबको बता दूँगी, क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता है। पहले मैंने आंटी जी से पूछा है तो आंटी जी ने बताया, फिर मैं अपनी बहन से पूछ रही हूँ तो वो बता रही है, मैं बनाते जा रही हूँ। अभी उसका फ़ोन चालू है, जो आपको समझ में भी आ रहा होगा मैं बात कर रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ, दोनों चीज़ साथ साथ कर रही हूँ। वो बताते जा रही हूँ, मैं करते जा रही हूँ। अभी तैयारी मैंने कुछ नहीं किया, मैं साथ साथ तैयारी भी करूँगी और बॉयल हो जाएगा पालक मेरा साथ साथ में। क्या कि प्याज लहसुन जो भी डालना रहता है वो मैंने अभी कुछ नहीं किया, क्योंकि पहले मेरा कोई प्लानिंग नहीं था कि मुझे ये करना है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं इसका कैसे क्या करूँ, पर बाद में मेरी बहन बोली कि मैं बता देती हूँ, वैसे वैसे तुम बना लो। तो उसी हिसाब से मैं बना भी रही हूँ। पालक में मैंने हल्का सा चीनी डाल दिया, हल्का सा डाला, आधा चम्मच भी नहीं डाला है, उससे उसका कलर अच्छा रहेगा पालक का। और उसके बाद मैंने ढक्कन लगा दिया है। और उसके बाद अभी मैं प्याज लहसुन यहीं काट भी लूँगी, जो मुझे छोंक में डालना है। हालांकि जैसे मतलब मैंने देखा है बनाते वीडियो, बहुत वीडियो में देखा है साग बनाते हुए, मतलब सबका अलग अलग तरीका होता है, अपना अपना तरीका होता है। मैं जो वो बता रही वैसे वैसे बनाते जा रही हूँ, क्योंकि मुझे तो अभी तक मैंने कभी बनाया नहीं है, फर्स्ट बार बना भी रही हूँ। अब पालक को मैंने ठंडा पानी में डाल लिया था। ठंडा पानी में डालने के बाद फिर से मैं छान रही हूँ। उसके बाद इसको मिक्सी में पीस लूँगी। अब मसाला मैंने अलग से तैयार कर लिया, जिसका मैं अलग से छोक लगाऊंगी। इसमें यही प्याज लहसुन और हरी मिर्ची है, जिसको मैं चॉपर में करूँगी। चॉपर में किया नहीं है तो चॉपर में चला दूँगी, क्योंकि पूरा पीस के नहीं बनाया जाता है। चॉपर में चॉप करूँगी तो इसका गरगरा हो जाएगा। चॉपर में करने के बाद छोंक लगाऊंगी अलग से। ऊपर से जो छोंक लगाया जाता है वो बाद में देखूँगी लगाना है कि नहीं, क्योंकि मुझे कम तेल मसाला में बनाना, ज़्यादा तेल मसाला नहीं डालना इसमें। हालांकि मैंने 2 छोटा छोटा प्याज लिया है, थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्ची लिया है। उसके बाद मैं चॉपर में चॉप करके रख दिया है, अभी पीस दूंगी पालक को। हालांकि ज़्यादा महीन पेस्ट भी नहीं बनाना है, गरगरा करके पीसना है।
वैसे तो सबको बनाना आता है, पर पालक को पीस के पालक पनीर भी बनता है, मतलब इसी तरीका से पालक पनीर बनता है। इसी में पालक काट के डाल, सॉरी, पालक की सब्जी में पनीर काट के डाल दो तो वो पालक पनीर हो जाता है। साग भी बोलते हैं। जो भी मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने सही तरीक़े से बनाया है कि नहीं, क्या कि मुझे उतना अच्छे से नहीं बनाना आता है। जैसे वो बताते जा रही है वैसे मैं करते जा रही हूँ। पालक को पीसते समय भी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, जो उबालते समय मैंने हल्का सा चीनी डाला, उसके अलावा कुछ नहीं डाला है। हालांकि इसमें हरी मिर्च डाल के पीस सकते हैं, पर मैं डालना भूल गई थी इसलिए मैंने मसाला के साथ ही तैयार कर लिया है। यहाँ मैंने सरसों का तेल डालने के बाद हींग जीरा का छोक लगाया, उसके बाद जो मैंने प्याज लहसुन हरी मिर्ची को चॉपर में चॉप किया था वो डाल दिया है, उसको लाल कर लिया। उसके बाद मैं सूखे मसाला, हल्का हल्का मसाला डाल रही हूँ, हालांकि इसमें कम मसाला डलता है, ज़्यादा मसाला नहीं डाला जाता है। तो हल्का सा मैंने हल्दी, हल्का सा मिर्ची और जीरा पाउडर है जो ज़्यादा करके डालना है। धनिया पाउडर भी हल्का सा डाल रही हूँ क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता है। हालांकि बहुत ऐसे होते हैं जो नहीं डालते हैं, पर मैं तो थोड़ा थोड़ा करके डाल भी रही हूँ। उसके बाद नमक भी डाल रही हूँ। इसमें बेसन डालना है, 1 चम्मच बेसन डालूँगी, क्योंकि वैसे तो बॉईल करते समय बेसन डालते हैं पर मुझे उतना अच्छे से करना नहीं आता है। मैं भी जो वो बताते जा रही हूँ उसी हिसाब से कर रही हूँ, तो बेसन अभी डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मसाला के साथ ये भी भून जाएगा। ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं, आधा चम्मच लगभग समझिए बेसन मैंने डाल लिया है, उससे इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग आएगा, अच्छा आ जाएगा। अब मसाला अच्छे से तैयार हो गया है तो अभी मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। टमाटर को मैंने काट लिया महीन महीन, चोपर में चोप नहीं किया है, महीन महीन करके काट लिया है, तो वो मसाला के साथ हो भी जाएंगे। ढक्कर लगा के 2 मिनट के लिए छोड़ूंगी तो हो जाएगा। इसमें मैं दही भी डालूंगी तो वो लास्ट में डालूंगी, पूरा बन जाएगा उसके बाद लास्ट में दही डालूंगी। हालांकि जितना मुश्किल मैं सोच रही थी उतना मुश्किल है नहीं, मुझे बनाना नहीं आता तो इसलिए मुझे मुश्किल लग रहा था, पर ज़्यादा बनने में टाइम नहीं लगा है। आधा घंटा में पूरा काम मेरा हो गया है, काटना, धोना, तैयार करना सब चीज़ हो गया आधा घंटा में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। हालांकि पहले से मैंने कोई तैयारी नहीं किया है, सब तैयारी आपके सामने में किया है। यहाँ टमाटर अच्छे से गल गए हैं तो वही मैं देख रही हूँ कि टमाटर गल गया तो देखने में अच्छा भी लगेगा, बीच बीच में नहीं आएगा। और इसके बाद मैं इसमें पालक जो मैंने पीस के रखा वो डाल दूँगी। इसमें हल्का सा पानी डालूँगी क्योंकि ये गाढ़ा गाढ़ा लग रहा है, जो ये पतीला में जो लगा उसी को धो के मैं डाल दूँगी, तो हल्का सा डालूँगी। उसके बाद पकेगा, 5 मिनट के लिए इसको पकाऊँगी। वैसे तो बॉईल किया हुआ है, अब 5 मिनट के लिए पका दूँगी, उसके बाद दही इसमें डालूँगी क्योंकि तेल मैंने कम डाला है। अगर तेल इसमें मैं ज़्यादा करके डालती तो ऊपर तेल आ जाता, पर मैं तेल कम डाल रही हूँ सब्ज़ी में। छोंक भी ऊपर से लगाऊंगी तो हल्का सा तेल डाल के लगा दूंगी, ज़्यादा तेल डालना नहीं है। मसाला भी बहुत कम करके मैंने डाला, ज़्यादा मसाला नहीं डाला है। पर ये है, चीनी डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आया, पालक का कलर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, देखने में पूरा ग्रीन ग्रीन अच्छा लग रहा है।
इसका सुगंध भी बहुत अच्छा आ रहा है जब मैं बना रही हूँ। हालांकि मेरे लिए तो बहुत अच्छा बना भी था, मैंने तो खाया भी है। मेरे यहाँ पीयूष लड़के नहीं खाते हैं, पीयूष के पापा ने भी खाया है, मैंने भी खाया है, मुझे तो अच्छा लगा। मतलब कि फर्स्ट बार खाया था फिर भी अच्छा लगा है। हालांकि दोनों टाइम के लिए मैंने अपना रख भी लिया, रात के लिए भी, दिन में भी खाया, फिर रात के लिए भी रख लिया है। यहाँ पालक को 5 मिनट के लिए मैंने बोल मतलब पकने के लिए छोड़ दिया, उसके बाद इसमें खाद आएगा, उसके बाद मैं इसमें दही डाल रही हूँ। दही डालने के बाद 5 मिनट के लिए इसको पका लूँगी, उसके बाद ऊपर से छौंक लगाऊँगी। हालांकि सच में टाइम ज़्यादा नहीं लगा, मैं सोच रही थी कि कैसे होगा, मुझसे बन पाएगा कि नहीं, पर अच्छा बन गया, बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो गया। मतलब कि कुछ भी काम करो तो अपने आप में अच्छा लगता है, मुझे तो अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हाँ मैंने कर लिया है। उसके बाद बीच में भी उसके पापा आके बोल के गए, बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है, मतलब बाहर तक इसका सुगंध आ रहा है। पर वही है, बच्चे नहीं खाएंगे क्योंकि मुझे पता है पीयूष लड़की को ये सब कम पसंद आता है। हालांकि खाया भी नहीं था पीयूष लड़की ने, पीयूष के पापा ने खाया और मैंने खाया, फिर मैंने दीदी को भी दिया तो वो भी बोल रही थी बहुत अच्छा बना है। क्योंकि साग में दही डालते हुए मैंने बहुत कम देखा है, मैंने शायद ही किसी को दही डालते हुए देखा, पर ऐसा भी होता बहुत है जो डाल के खा लेते हैं। हाँ, ऊपर से भी डाल के दही खाओ तो इसमें और अच्छा लगता है। मैंने तो रोटी के साथ खाया था, फिर उसके पापा ने इसको चावल के साथ खाया था, क्योंकि दिन में चावल के साथ अच्छा लगा उनको, पर मैंने रोटी के साथ खाया, मैंने चावल के साथ नहीं खाया। अब ऊपर से छौंक लगा रही हूँ तो इसमें हींग तो मैंने पहले डाल दिया, मैं जीरा और लाल वाला मिर्ची डाल रही हूँ। हालांकि ज़्यादा कुछ तेल मैंने डाला नहीं इसमें, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया तेल मसाला मुझे कम डालना है, इसलिए हल्का सा तेल डाला। उसके बाद मैं इसमें जीरा डाल दिया और लाल वाला मिर्ची है जो सूखा वाला होता है उसी को तोड़ के मैं डाल दूँगी, उसके बाद छौंक लगा दूँगी ऊपर से, तो देखने में भी अच्छा लगेगा, खाने में भी अच्छा लगेगा। उसके बाद आप सब कमेंट करके बताइएगा मुझे कि मुझे साग बनाना आता है कि नहीं, क्या कि सबके यहाँ बनता है, मेरे ख्याल से मैंने ही फर्स्ट बार बनाया है, मेरे यहाँ ही नहीं बनता है। हाँ, पालक का सब्ज़ी बनता है, पर इसी जैसे मैंने बनाया उस हिसाब से नहीं बनता है। मम्मी को पसंद है तो पालक को दाल में डाल के भी खाती है, ऐसे भी छौंक लगा के खा लेती है, केवल ऐसे ही छौंक लगा देती है जैसे जीरा और उसमें हल्का सा लहसुन डाल के छौंक लगाती है। जैसे मसाला डाल के जो मैंने आज बनाया वैसे नहीं बनाया है, वो मैंने आज फर्स्ट बार बनाया है। वैसे तो साग बहुत तरीक़ा से बनता है, बहुत सारा बनता है, जैसे पालक के अलावा भी बहुत तरीक़ा से बनता है। आंटी जी के यहाँ देखती हूँ आलू का जो पत्ता निकलता है उसका भी आंटी जी बनाती है, उसके बाद सरसों का भी बनता है, हाँ बथुआ का भी बनता है, बहुत जगह मैंने देखा बथुआ का भी साग बनते हुए है, पर मैंने आज फर्स्ट बार पालक का साग बनाया है। आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने कैसे बनाया, अच्छे से बनाया है कि नहीं। अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आया है मेरा साग बनाने का तरीका, कुछ अलग लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड आफ्टरनून, टेक केयर। अब बताइएगा देखने में कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टी भी बना।